देखो हम इससे पहले जो है 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 3 चैप्टर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला क्वेश्चन सब, और बहुत हद तक 5 नंबर वाला भी सोल्व हो चुका था, जैसे ग्राफीय विधि सब, वो सब 5 नंबर का क्वेश्चन सब था, है कि नहीं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो द्विघात समीकरण, ये 4th चैप्टर है हमारा, कैमा चैप्टर है 4th चैप्टर, और द्विघात समीकरण से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से सब्जेक्टिव आ सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहला द्विघात समीकरण से है कि द्विघात समीकरण का आपको दे देगा, और या तो 2 नंबर में कह देगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखिए, मानक रूप लिखिए शर्त के साथ। तो जब भी पूछे द्विघात समीकरण का मानक कहे, व्यापक कहे, सामान्य कहे, सब का मतलब यही हुआ कि द्विघात समीकरण को हम लिखते कैसे, यानी किस रूप का होता है द्विघात समीकरण। तो वहां पर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण का रूप क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पर ये शर्त लिखना जरूरी, जहां ए बी सी तीनों वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए, यानी परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद एक शर्त और है, ये शर्त क्या है कि कभी भी ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो के बराबर हो गया तो जीरो गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा, जीरो, ये पद खत्म हो जाएगा। अगर ये पद खत्म हो गया तो ये द्विघात, यानी दो घात वाला पद बचेगा नहीं, जब नहीं बचेगा तो ये रैखिक बन जाएगा। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये शर्त, इसके बिना जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप संभव नहीं है। अब हमको जो है क्वेश्चन जो पूछता है, दे देगा द्विघात समीकरण और आपको पूछेगा कि इस पर घात की संख्या बताइए, तो अधिकतम घात कितना है इस पर, तो दो, तो इसलिए इसका घात कितना हो गया, दो। और अधिकतम पद कितना हो सकता है, तो व्यापक रूप में दिख ही रहा है ये एक पद, दो पद, तीन पद, यानी मैक्सिमम 3 पद ही हो सकता है। इससे ज्यादा अगर कुछ भी हुआ तो वो जुड़ करके एक ही हो जाता है, जैसे एक्स वाला 2 पद हुआ तो जुड़ के 1 बन जाएगा, 2 अंक वाला होगा तो जुड़ के 1 बन जाएगा, 2x² वाला होगा तो भी तो जुड़ के 1 ही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मैक्सिमम पद भी कितना होगा, 3, और शून्य कै गो होगा, तो शून्य जो है घात पर निर्भर करता है, जितना घात उतना शून्य। इसमें अगर घात देखा जाए, मैक्सिमम घात 2 है, तो इसका शून्य कितना होगा, 2, और इसमें शून्य का नाम क्या होगा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ठीक है। इसके बाद अगर तुमसे पूछा जाए कि शून्यकों का योगफल, यानी ये जो 2 गो शून्य निकलेगा, 2 मान लिया जाए, हर एक बहुपद का 2 गो शून्य निकलेगा, द्विघात बहुपद का, अगर दोनों शून्य को जोड़े, शून्य का मतलब तो हम कल ही बता दिए थे अगला क्लास में ही, शून्य का मतलब वह मान जिसको समीकरण में पुट करने पर समीकरण का मान 0 हो जाए, है कि नहीं, यानी वह वैल्यू जिसको समीकरण में पुट करने पर वह समीकरण का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, उसी को शून्य कहते हैं। जैसे इस समीकरण का, इस समीकरण का मान कब शून्य होगा, तो वही, यानी जब अल्फा, यानी कहने का मतलब जब ये अल्फा और बीटा, यानी 2 शून्य, जैसे इसके लिए हम मान लिए क्या, अल्फा और बीटा 2 शून्य, यानी इसी तरह का कोई भी बहुपद होगा तो उसका 2 गो शून्य होगा, और वो जो 2 गो शून्य होगा वो दोनों में से किसी को अगर रखेंगे तो उस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इसी तरह ये द्विघात बहुपद का 2 गो शून्य कौन कौन हुआ, अल्फा और बीटा, यदि दोनों शून्य को जोड़ेंगे चेक करने के लिए कि हम शून्य निकाले हैं, सही निकला है कि नहीं निकला है, तो चेक करने के लिए आप ये भी याद रखिए, और इस पर हिसाब भी रहता है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होगा ये बीच वाला पद माइनस बी बटे ये ए का बटे ए के बराबर होगा, यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा, यानी एक्स के गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होगा, और उसके आगे माइनस लग जाएगा। अगर आपको शून्यकों का अभी भी इससे भी हम चेक कर सकते हैं, या इससे अगर संतुष्टि नहीं मिला तो एक और फॉर्मूला से हम चेक कर सकते हैं शून्यकों का गुणनफल से, यानी दो जो शून्य निकलेगा वो सही है कि नहीं है, उसको जांच करने के लिए हम दोनों को अगर गुना करेंगे तो गुना करने पर सी बटे ए होना चाहिए, यानी ये अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होना चाहिए, तब हमारा जो होगा शून्य, मतलब शून्य हमारा सही होगा। अगर ऐसा हो गया तो शून्य हमारा सही होगा, यानी शून्य का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, जबकि शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे। अब जो इस पद में पूछा जाता है विवेचक विवेक्तर, है कि नहीं, विवेचक पूछ देगा या विवेक्तर पूछ देगा, दोनों का मतलब एक ही हुआ, विवेचक कहे या विवेक्तर कहे, इसका इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और इसी से पहला अक्षर इसका आया डी, इसी से पहला अक्षर इसका क्या आया डी, यानी विवेचक या विवेक्तर को हम डी से सूचित करते हैं, और डी बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर क्या होता है, माइनस बी
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी विवेचक या विवेकतर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये बी सब तो पता ही है, ए बी सी यही वाला ए बी सी, ठीक है। अब यही विवेचक या विवेकतर से जब फॉर्मूला हम बना लेते हैं, यानी जब शून्यक निकालने लगते हैं, तो उसी को हम कहते हैं द्विघाती सूत्र, जो कि द्विघात बहुपद में ही सिर्फ लगता है, किसमें लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया द्विघाती सूत्र, क्योंकि ये द्विघात बहुपद में लगता है उसके शून्यक को बताता है। जैसे अगर इस फॉर्मूला को हम लगाएंगे किसी भी द्विघात बहुपद में, उसका दोनों का दोनों शून्यक बता देगा, दोनों का दोनों पॉसिबल शून्यक बता देगा। तो इस शून्य का ये फॉर्मूला क्या होता है शून्यक निकालने का, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे टू है। इसको हम जो डी का मान पुट करके भी लिख सकते हैं, कैसे, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू है। तो ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। एक चीज याद रखें, यहाँ पर जो है प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, और हमको जो है शून्य जो है दोनों प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अब जो है विवेकतर या विवेचक का मान जो है, कुछ इसका शर्त भी है। जैसे मान लिया जाए विवेचक या विवेकतर का जो मान हम निकाले यहां से, अगर विवेचक या विवेकतर का मान जीरो से बड़ा हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि जीरो से बड़ा हो जाए किसका मान, ये जो विवेचक या विवेकतर, विवेचक या विवेकतर का निकाले, ये जीरो से अगर बड़ा हो गया डी का मान, यानी जिधर मुंह घुमा रहता है वो बड़ा होता है, किधर घुमा है डी की तरफ, जीरो से बड़ा अगर डी हो गया तो याद रखना कि वो उसका जो दुगो मूल निकलेगा, मूल का मतलब शून्य, तो उसका जो दुगो मूल या शून्य निकलेगा वो अलग अलग होगा, असमान मतलब, असमान मतलब हो गया अलग अलग। उसके बाद वास्तविक होगा, वास्तविक मतलब वास्तविक संख्या में होगा, यानी परमेय हो भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, बिना रूट का भी हो सकता है। कब, यदि जीरो से बड़ा हो, किसका मान, विवेचक या विवेकतर का मान। तो इसका दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग होगा, असमान होगा, भिन्न भिन्न होगा, जो ऑप्शन में रहेगा वो मारेंगे, या वास्तविक और तथा वास्तविक होगा। वास्तविक मतलब, वास्तविक मतलब परमेय और अपरमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर d का मान जीरो के बराबर हो जाए, d का मान जीरो के बराबर हो जाए, तो इसका मूल समान होगा, यानी दुगो तो मूल निकलेगा, इसमें भी दोनों मूल एक के जैसा निकलेगा, यानी एगो का अगर माइनस एक निकला तो दूसरा भी माइनस एक, अगर प्लस एक निकला तो प्लस एक, यानी दोनों मूल क्या होगा, समान होगा और वास्तविक होगा। वास्तविक मतलब परमेय होगा या अपरमेय होगा, कोई भी संख्या हो सकता है, और इसी को हम कहते हैं मूलों का अस्तित्व संभव होना। अब क्वेश्चन में रहता है कि निम्नलिखित में चेक कीजिए किसका मूलों का अस्तित्व संभव है, तो हम क्या करेंगे, सम का डी निकाल के देख लेंगे, जिसका डी जो होगा जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, तो उसका मूल का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन यदि डी का मान जीरो से छोटा हो जाए, यानी देखो किसके तरफ मुंह घुमा हुआ है, जीरो के तरफ, यानी डी से बड़ा कौन हो गया, जीरो। अगर डी का मान जीरो से छोटा हो गया, यानी कहने का मतलब माइनस में होगा, जीरो बड़ा है तो जीरो से छोटा क्या होता है, तो जीरो अगर बड़ा है तो डी जो है जीरो से छोटा ना होगा, अगर जीरो से छोटा हुआ तो इसका मतलब माइनस में होगा। तो याद रखना, यदि क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है फंसाने के लिए कि डी ऋणात्मक हो तब क्या होगा, डी का मान यानी विवेचक ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक कब होगा, जब जीरो से छोटा होगा, शर्त तो वही ना है, हम पता चलेगा कि हाँ ई पर है लेकिन वहां दे देगा ऋणात्मक, कहेगा ये तो पढ़वे नहीं किए। तो याद रखना, अगर धनात्मक कहे तो धनात्मक में जीरो है और ये धनात्मक में ये भी आ सकता है, तो इसका मूल का अस्तित्व संभव होगा। यदि ऋणात्मक कहे, ऋणात्मक मतलब डी का मान अगर माइनस में निकलेगा तो उसका जो मूल होगा वो अवास्तविक होगा, यानी परमेय अपरमेय में नहीं होगा, काल्पनिक होगा। जो वास्तविक नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, या इसको वास्तविक नहीं होंगे, और इसी को हम कहते हैं मूलों का अस्तित्व संभव नहीं होना। तो ये तीनों चारों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, क्या क्या दे देगा, अवास्तविक दे देगा, काल्पनिक दे देगा, वास्तविक नहीं दे देगा, या मूलों का अस्तित्व संभव नहीं दे देगा, तो फंसना नहीं है, तीनों चारों एक के बात हुआ। अब जैसे इसमें हम देखो, तुमको हम बताते हैं कि कैसे इसको चेक करेंगे, यानी ये काल्पनिक वाला भी देखो एगो बताते हैं हिसाब। जैसे मान लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर जीरो, अगर इसका हम मान निकालें, एक और समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक, दोनों का मान निकालें, तो देख रहे हैं दोनों में क्या अंतर आता है। पहला जो हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक का मान, तो होता क्या है कि जैसे हम करते करते क्या है इसमें, तो वन को उधर ले जाएंगे, तो वन को ले जाएंगे तो प्लस में वन होगा कि नहीं। अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, रूट में, जब रूट में होता है तो दुगो में, क्योंकि एक गुना एक तो होवे करेगा,
एगो एक निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, एगो एक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसमें तो निकल गया, और जब भी एक निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में होता है। इसका दो गो शून्य प्लस एक माइनस एक निकल गया कि नहीं। लेकिन इसको अब हल करके देखो, इसको अगर हम हल करते हैं तो एक को उधर भेजेंगे तो माइनस एक हो गया, हुआ। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बताओ। इसको इसका हल करने का क्या तरीका, दो गो एक में तो एक गो एक निकल जाएगा, लेकिन माइनस कहाँ जाएगा? क्या माइनस कभी रूट से निकलता है? नहीं। तो यही इसी को कहते हैं मूलों का अस्तित्व संभव नहीं होना। और इसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, इसको कैसे निकाला जाता है। इसके लिए एक सम्मिश्र संख्या होता है। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार का, काल्पनिक और वास्तविक, है कि नहीं। तो ये जो संख्या है इसको काल्पनिक कहते हैं, और यहाँ माइनस एक का जो मान होता है, माइनस एक का मान आई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से दो आई नहीं निकल जाएगा, और यही इसका हल है जो अभी तुमको पढ़ना नहीं है, आगे 11th क्लास में पढ़ना है कि नहीं। तो यहाँ निकला कि नहीं, तो यहाँ भी निकलेगा, लेकिन इसको हमको यहाँ पढ़ना नहीं, तो इसको इग्नोर करना है। ये तुमको जानकारी के लिए बता दिए कि ये काल्पनिक संख्या हो गया, आयोटा क्या हो गया, इसको पढ़ते हैं आयोटा, और ये काल्पनिक संख्या है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ तक ही पढ़ना है, इसलिए यहाँ कह दिया कि मूलों का अस्तित्व संभव है। इसमें का मूलों का अस्तित्व संभव नहीं, संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये वास्तविक में नहीं आएगा, ये किसमें आएगा, काल्पनिक में आएगा, ठीक है। तो दोनों प्रकार का तुमको दिखा दिए कि कहाँ मूल वास्तविक होता है और कहाँ अवास्तविक या काल्पनिक होता है, कोई दिक्कत? तो चलो अब आगे हम एक जो है उदाहरण से समझते हैं। देखो चलो देखो एक हम हिसाब इस पर बताते हैं कि जैसे एक द्विघात बहुपद हम लिए हैं, यहाँ देखो एक द्विघात बहुपद लिए हैं, और इसमें निम्न चीजें तुमको निकालने के लिए देगा। हो सकता है इस बहुपद का गुणनखंड करने कह दे, हो सकता है इस बहुपद का शून्य की अल्फा बीटा निकालने का दे। शून्य कहने का मतलब शून्य तो दो ही गुना होता है, अल्फा और बीटा, या कह दे इसको इसका जो अल्फा प्लस बीटा निकालने, अल्फा डॉट बीटा, या इस तरह का कोई भी हिसाब दे दे। इससे ज्यादा हिसाब नहीं रहेगा, या इसी टाइप का ही हिसाब रहेगा, या इसमें एक और चीज विवेचक निकालने दे दे, है कि नहीं, विवेचक या विवेकता निकालने दे दे। तो विवेचक पहले ही रहेगा, यहीं पर हम दो नंबर में कह देते हैं, डी का मान निकालने के लिए दे देगा, ठीक है। तो देखो अगर ये सब हिसाब रहे तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या कहें, गुणनखंड निकालने के लिए। हिसाब तो तुम लोग देख लिया है कि हिसाब क्या है, क्या क्या हिसाब है, ठीक है। तो हिसाब पहला नंबर क्या कहा है, गुणनखंड निकालने के लिए। तो गुणनखंड निकालना आसान है, कैसे करते हैं गुणनखंड, तो गुणनखंड देखो तीन गो पद अगर तुमको दिखे तो उसको हमेशा चार गो पद बनाने का कोशिश करना है, और चार गो पद बना करके दो दो गो में गुणनखंड निकालना है। जैसे पहला नंबर हम गुणनखंड निकालते हैं, समीकरण क्या है, बहुपद क्या है, तो बहुपद दिया हुआ है आपका 2x² - 3x + 1। देख लो ये बहुपद है, इसको हमको गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करते कैसे हैं, तो हमेशा याद रखना कि इसमें बीच वाला पद को हम तोड़ते हैं, कौन सा पद को, ये बीच वाला पद को, बीच वाला पद को हम तोड़ के दो हिस्सा में करते हैं ताकि चार पद बन जाए। जब चार पद बन जाएगा तो दो दो गो करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये, अब इसको करना क्या है, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसका अंतिम पद और इसका ये दोनों को गुणा करते हैं, तो कितना होता है, दो गुना एक कि दो होता है। अब दो का गुणनखंड करो तो दो एक आया, तो अब इसी गुणनखंड से, ये दोनों जो गुणनखंड, इसी से हमको -3 पुराना है, कितना पुराना है, -3। कैसे पुरेगा, तो देखो इसको पुराने के लिए हम कर सकते हैं 2x² और इसको -2x और -x प्लस एक लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख दिए। उसके बाद लिखने के बाद अब हम देखो चार गो पद निकल गया, तो पहला दो गो पद और दूसरा दो गो पद यानी अंतिम वाला दो गो पद को एक जगह करके कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है, तो दो दोनों में है निकाल लिए, x दोनों में तो निकाल लिए, इसमें क्या बच गया x, और इसमें दो भी निकल गया, x भी निकल गया, तो क्या बचा एक। अभी दोनों में क्या चीज है जो दोनों में है, ये दोनों में देखो ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक से तो सभ्य में गुना होता है, तो अगर कुछ नहीं दिखे तो एक निकालेंगे, और माइनस भी है तो माइनस निकाल दिए, और यहाँ एक भी निकाल दिए, तो माइनस निकल गया, तो माइनस कैसे पूरता है, माइनस गुना प्लस मिलकर के ना माइनस बनता है, माइनस गुना प्लस मिलकर के क्या बनता है, माइनस। अगर इससे हम माइनस निकाल लिए तो बचा क्या, तो प्लस, और यहाँ कितना हो गया एक्स, ये प्लस है, प्लस किससे मिलकर बनता है, तो माइनस माइनस से मिलता है, तो एगो इसका माइनस निकल गया, तो क्या बचा, माइनस तो बचा एगो, हो गया। अब इसमें देखो ये एक पद हो गया,
और ये एक पद हो गया, दुगो पद हो गया, ये पहला पद और ये दूसरा पद, इन दोनों में अब क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ये वाला पद जो है दोनों में है एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, तो ये एक्स माइनस वन को बाहर निकाल देंगे, जब x माइनस वन को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस वन को निकाल दिए तो 2x बचेगा, इसको भी x माइनस वन को निकाल दिए तो क्या बचेगा, तो यहाँ से हमको जो है दो पद निकल गया, x माइनस वन इंटू 2x माइनस वन, ये गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। अगर गुणनखंड कहे तो यहीं तक हम छोड़ देंगे, अब गुणनखंड के बाद अगर शून्य कह दे, और शून्य द्विघात बहुपद का दो गो होता है, कौन कौन, अल्फा और बीटा होता है, तो चलो शून्य निकालने के लिए करते क्या है, शून्य का मतलब ऐसा मान जो कि उसको शून्य कर दे, ठीक है, तो जैसे ये दो नंबर के लिए इस पहले ये पद है, इसको लेकर के हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, जब जीरो के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, एक उधर जाएगा तो प्लस एक होगा, है कि नहीं, ये तीसरा नंबर था ना, दूसरा नंबर तो डी निकालना था ना, डी पहले देख लो, दूसरा नंबर क्या है, डी निकालना है, डी का मतलब विवेचक या विवेकतर निकालना है, तो डी निकालने के लिए करते क्या है, तो फॉर्मूला हमको पता है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी करते, बी क्या है तो एक्स का गुणांक कितना है तीन, माइनस तीन, तो माइनस तीन लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दे, फिर माइनस चार के जगह चार, ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक दो, और सी का मान कितना है एक, तो एक लिख लिए, तब बताओ तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ, चार दूना आठ, नौ में से आठ किया तो कितना निकला एक, अब एक निकला तो ये एक जो है जीरो से बड़ा है कि छोटा है, यानी जीरो से बड़ा है, यदि जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मूल संभव है, अगर मूल संभव है तो क्या है इसका मूल, मूल संभव भी है तथा दोनों मूल जो होगा, दोनों मूल क्या होगा, असमान और वास्तविक होगा, असमान और वास्तविक होगा, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि इसका मूल कैसा होगा, असमान और क्या होगा, वास्तविक होगा, अब इसमें देखते हैं क्या सही में वो निकलता है, तो देखो एगो मूल निकल भी गया, ये मूल क्या है, वास्तविक संख्या में नहीं है, है? फिर अब देखो इसी से हम दूसरा से निकालेंगे, ये तो पहला पद से निकाल लिए, अब दूसरा पद ले लो, दूसरा पद क्या है, यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 क्या करेंगे हम, एक को उधर करेंगे, एक को इधर करेंगे तो प्लस में x बराबर 1 बटे 2 आया, तो देखो दो गो शून्य के निकल गया, x का दो गो शून्य के निकल गया एक और 1 बटे 2, ये दो गो शून्य हो गया, ये दो गो शून्य का आपका निकल गया, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ही पता है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए, ये फॉर्मूला होता है, हमको ये सब निकालने का कोई जरूरत नहीं है, है कि नहीं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, माइनस बी, बी का मान क्या है, माइनस तो पहले से इसका एगो है, इसका एगो अपना माइनस है तो माइनस तीन, और ए का मान दो, क्या होगा तीन बटे दो, अब ये सही निकला है कि नहीं, ये शून्य से भी पता चल सकता है, एक आ एक प्लस दो को करो गुना अति जोड़ो, जांच भी हो जाएगा, एक प्लस एक बटे दो तो क्या हो जाएगा तीन बटे दो, निकला कि नहीं समान, ये जांच करने का भी तरीका है, इसका मतलब हमारा जो शून्य निकला तो वो भी सही है कि नहीं, तो चलो अब अगला देखो पांचवा नंबर, पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा कहे तो सी बाय ए डायरेक्ट, तो सी बाय ए, सी का मान एक और ए का मान दो, एक बटे दो, ऐसे भी अल्फा डॉट बीटा दोनों को गुना करो, एक गुना एक एक और दो नीचे में होगा, तो ऐसे भी पता चल गया यही होगा। फिर छठा नंबर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादा पूछता है कि नहीं, वन बटे अल्फा प्लस वन बटे बीटा, ठीक है, ये वाला जो है खास करके ये ज्यादा पूछता है कि नहीं, तो इसमें करेंगे क्या, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन ये भिन्न के जोड़ के रूप में है, इसको हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा से भाग देंगे अल्फा में कट जाएगा तो बीटा ऊपर में आ जाएगा, फिर बीटा से बीटा में भाग देंगे तो एक एक गुना अल्फा, अल्फा होगा तो ऊपर में क्या फॉर्मूला आया, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, एक बात ना हुआ, उसके बाद अब फॉर्मूला पर पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे अल्फा डॉट बीटा का मान सी बा ए हो गया, इसको अब देखो माइनस बी बटे ए तो है ही, नीचे वाला बटे पलटेगा तो पलटेगा तो ए बटे सी हो जाएगा, ए ए कट गया, अब बताओ माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान माइनस माइनस तीन, माइनस तो एगो इसका अपना है कि नहीं, उसके बाद सी का मान एक तो कितना निकल गया तीन निकल गया, क्या कोई दिक्कत इसमें, ये छठा नंबर हो गया। अब सातवां नंबर, अब ये सातवां नंबर जो है अल्फा माइनस बीटा का मान, अल्फा माइनस बीटा
इसके लिए भी कोई विशेष फॉर्मूला हमको पता नहीं है, है कि नहीं। इसको निकालने के लिए हमको ये खोजना पड़ेगा कि अल्फा माइनस बीटा कहाँ से निकला जाए। तो देखो इसको निकालने के लिए इसको फॉर्मूला में लाएंगे। फॉर्मूला में कैसे लाएंगे, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में यदि माइनस फोर अल्फा इंटू बीटा से करें जैसे, तो ये जो है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूरेगा। क्या पूरेगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूरेगा। कहने का मतलब जैसे हम पढ़े ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। लेकिन हम मान लिया जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमको पुराना है, ठीक है, तो यदि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पुराना है इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसी में तुम देखो इसको प्लस फोर ए बी कर सकते हैं क्या, इसमें जैसे किए फोर ए बी किए तो ये जो फॉर्मूला है ये प्लस वाला में आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे देखो इसी में तुम अगर इसको तोड़ेगा, इसको क्या करेंगे हम अगर तोड़ेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा। जैसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू बीटा होगा माइनस फोर अल्फा इंटू बीटा, अब माइनस चार गो अल्फा बीटा दो गो अल्फा बीटा में घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ माइनस टू अल्फा इंटू बीटा नहीं हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा किसका फॉर्मूला होता है, इसी का ना होता है, तो निकला कि नहीं। इसको हम रूपांतरित कर दिए इस फॉर्मूला में, कोई दिक्कत, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम इस फॉर्मूला में रखें जो कि लास्ट में जाकर के यही बन जाता है। तो ये कर दिए, ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों का फॉर्मूला हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा का भी फॉर्मूला पता है। क्या है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर माइनस फोर, फोर का तो नहीं, अल्फा डॉट बीटा का भी मान पता है, अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होता है सी बाय ए, तो सी बाय ए रख देते हैं, है कि नहीं। तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस माइनस, और ए का मान दो, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस फोर सी का मान एक और ए का मान दो, करने के बाद माइनस माइनस प्लस, और तीन तीन तो है वे क्या ऊपर में बटे दो, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस दो से चार में कट गया दो तो माइनस दो, अब बताओ तीन तीन नौ बटे चार माइनस दो निकला। अब इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, चार गुना आठ यानी एक बटे चार आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब अगर तुमको ये सातवां, ये तो हो गया, ये आठ नंबर हो गया ना, सात नंबर अगर पूछे तो सात नंबर में आसान है, सात नंबर में क्या कहता है देखो, टू अल्फा प्लस टू बीटा का है, इसका कोई विशेष फॉर्मूला तो नहीं होता है टू अल्फा और टू बीटा का, इसके लिए क्या करेंगे हम दो कॉमन ले लेंगे तो फिर से ये फॉर्मूला पर आ जाएगा, और ये फंसाने के लिए इस तरह का ही देता है हिसाब, है कि नहीं। तब बता अब तो ये फॉर्मूला पर आ गया, और अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे दो, और माइनस बी का मान तो माइनस तीन, और ए का मान दो, तो क्या हो जाएगा दो दो कट गया तो तीन आंसर हो गया, कोई दिक्कत इसमें, आसान है कि नहीं। तो अब इस तरह से द्विघात समीकरण तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब जो है अगला चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अगर इंग्लिश देखो तो इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यहीं से आया एपी शब्द, है कि नहीं, प्रोग्रेशन यानी एक समांतर को अर्थमेटिक श्रेणी का प्रोग्रेशन, और इसी को संक्षेप में हम क्या करते हैं एपी कहते हैं। देखो एपी कोई जो है, एपी एक तरह से समझो तो एपी एक कतार है, एक तरह से संख्याओं का एक क्रम है। जैसे मान लिया जाए कि हम मकान पे चढ़ते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीढ़ी पकड़ते हैं, ऐसा नहीं ना कि हम एक से इकट्ठे छते पर चढ़ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, या तो हम एगो एगो सीढ़ी स्किप करके चढ़े या दो दो गो सीढ़ी स्किप करके चढ़े, यानी एक समान अंतर के साथ आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं कि नहीं। उसी तरह जैसे मान लिया जाए हम बचपन से पढ़ते हैं तो पहले एक में पढ़े फिर दो में पढ़े फिर तीन में पढ़े फिर चार में पढ़े, यानी एक तरह से समान अंतर के साथ आगे बढ़ते गए, है कि नहीं। तो जहां भी ऐसा हो कि समान अंतर के साथ बढ़ रहा हो तो उसी को हम क्या कहेंगे समांतर, यानी समांतर क्रम, और वही समांतर क्रम को जिस चैप्टर में पढ़ते उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी, है कि नहीं। तो यहाँ देखो समांतर श्रेणी में दो तरह के क्रम आते हैं, एक क्रम ऐसा आता है जो खत्म हो जाए, तो जब खत्म हो जाएगा तो उसको हम परिमित श्रेणी कहते हैं, परिमित श्रेणी।
और ऐसा जो कि कभी खत्म ना हो उसको अपरिमित श्रेणी यानी इनफिनिटिव सीरीज कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लिखे 2, 4, 6, 8, 10 अभिन्दा लगा दिए, इसका मतलब इसके आगे संख्या नहीं है, तो ये परिमित है, ये जो है परिमित श्रेणी यानी इसके इसमें जो है फिक्स इसमें संख्या है, इतना ही संख्या है। लेकिन यही संख्या को हम लिखे इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह से डॉट डॉट लगा दिए, इसका मतलब ये संख्या अंत नहीं हो, ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। और कितना कितना का गैप में, दो दो का गैप में, तुम देखो सब जगह दो दो का गैप में। तो इस तरह का अगर कोई श्रेणी हो तो इसको हम कहते हैं अपरिमित श्रेणी, इसको क्या कहते हैं अपरिमित श्रेणी यानी श्रेणी या श्रेणी भी कह सकता है, ठीक है। अब यहाँ है इसको फिनाइट से इंग्लिश में फिनाइट सीरीज कहते हैं, इसको इनफिनाइट सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही पढ़ते हैं कि श्रेणी में हम खास करके यहाँ जो है वही पढ़ते हैं जो समान अंतर के साथ बढ़ रहा हो, है कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ जितना भी संख्या होगा जो समान अंतर के साथ बढ़ेगा, क्योंकि समांतर का शब्द का मतलब ही हुआ समान अंतर यानी बराबर अंतर के साथ जो क्रम बढ़ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं समांतर श्रेणी, है कि नहीं। अब जैसे मान लिया जाए इसी में देखो तो 2, 2, 4 यानी 2 बड़ा, फिर 4 में 2 जुटा तो 6, फिर 2 जुटा तो 8 यानी एक समान संख्या जुड़ने के बाद वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम कहें कि एपी का जो है एपी का सामान्य रूप अगर तुमसे पूछा जाए तो एपी का सामान्य रूप हमको पता है क्या होता है कि एपी में कई सारा पद होता है, जैसे इसको हम कहते हैं पहला दूसरा तीसरा। इस एपी के पहले पद को हम A1 भी कहते हैं, दूसरे को A2, A3, A4, A5 इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ते जाते हैं। और होता क्या है कि इसमें एपी में जो क्रम है उसमें हर एक में समान संख्या बार बार बढ़ते जाता है। जैसे ये पहला पद है तो पहला पद को हम A कहते हैं, दूसरा पद है तो दूसरा पद में एगो समान संख्या मान लिया जाए कि इसमें डिस्टेंस जो है D का है यानी डिफरेंस कहो या डिस्टेंस कहो कितना का तो डिफरेंस को यानी कितना का डिफरेंस है उसको हम डी से सूचित करते हैं। तो इसे मान लिया जाए डी बढ़ गया, फिर अगला वाला में भी क्या होगा एगो और डी बढ़ जाएगा, अगला वाला में क्या होगा एगो और डी बढ़ जाएगा कि नहीं, और इस तरह से डी बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। अब ये जो है तीसरा पद में, ये चौथा पद में, इसी तरह आगे पांचवा पद में। तो अब देखो ए में तो ए हुआ, इसमें क्या हुआ एगो डी बढ़ा, इसमें कैगो डी बढ़ा दू गो डी बढ़ा, इसमें कैगो डी बढ़ा तीन गोटी बढ़ा। अब तुम सपोज करो इसी में की संख्या जो है बढ़ते गया और अनंत तक हो, जिसको हम कहें एन, यानी एन तक संख्या बढ़ते गया, तो एन तक बढ़ते गया तो इसमें जो है ए प्लस डी भी तो बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। जब डी बढ़ते जाएगा तो कितना डी बढ़ेगा ये देखो, तो यहाँ अगर देखो तो पहला पद में एक को डी नहीं है, दूसरा पद देखो तो उसमें एगो कम डी हो गया यानी दो गो पद है तो एगो डी आया, तीसरा पद में कई गो डी आया दो गो डी आया, चौथा पद में कई गोटी आया तो तीन गोटी आया, उसी तरह से अंतिम पद में कई गोटी आएगा तो जितना संख्या उससे वो कम तो उससे वो कम भी आया, आया कि नहीं। और यही तो हम पढ़ते हैं लास्ट पद का फॉर्मूला, पढ़ते हैं कि नहीं, यही फॉर्मूला बन गया, क्या बना कि नहीं फॉर्मूला, कैसे बना फॉर्मूला। जैसे हम अभी देखे कि हर एक पद में जो एगो कम डी होता है तो हम भी क्या किए एन पद गए और एन पद में पहला पद तो रहेगा ही उससे एगो कम डी कर दिए, तो यही फॉर्मूला बन गया। और इसी को कहते हैं अंतिम पद का फॉर्मूला, अंतिम पद को एन भी कहते हैं, टीएन भी कहते हैं, लास्ट पद भी कहते हैं या हिंदी में अंतिम पद भी कहते हैं, है कि नहीं। और ये सब का फॉर्मूला वही हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, कहाँ से है ये तो तुमको पता ही है, जितना पद है उससे एगो कम डी उसमें जुड़ जाता है, यही तुम्हारा क्या हो गया। और इसका कैगो नाम हो गया बताओ, इसमें देखो पाए इसका अंतिम पद यानी ए एन टी एन एल अंतिम पद और ये सब हो गया। तो ए का मतलब ये पद की संख्या और टी का मतलब होता है टर्म, टी का इंग्लिश क्या होता है टर्म, टर्म का मतलब भी पद, एल का मतलब भी हुआ लास्ट टर्म, है कि नहीं। तो यहीं से ये सब नाम आया, है कि नहीं। अब ये जो ए है ए को हम कहते हैं पहला पद, ए को क्या कहते हैं पहला पद। अब हमको अगर निकालना हो कि कितना का डिफरेंस हो रहा है, क्या निकालना हो डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस को देखो तो ये दो गो पद में तुलना करो, इसको हम क्या कहते पहला इसको दूसरा पद, डिफरेंस कितना का है इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या। तो देखो ए प्लस डी हुआ दूसरा पद में एगो डी बढ़ गया और पहला पद में एगो डी है,
अगर दूसरा पद में पहला पद को घटा दे इसका नहीं पता चलेगा कितना का डिफरेंस है, और इसके डिफरेंस को कहते हैं हम सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और यही कॉमन डिफरेंस शब्द से आ गया डी, है कि नहीं? और इसको सूचित करते हैं हम बड़ी डी या छोटी डी। और डी का मतलब जो फॉर्मूला कहेगा तो दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, या अब चूंकि सब में एगो एगो डी बढ़ रहा है तो तीसरा में से भी दूसरा घटाएंगे तो डी निकलेगा कि नहीं, या कहेगा कि आगे और बढ़ेगा तो चौथा में से तीसरा घटाएंगे क्योंकि एक एक डी ना बढ़ रहा है। तो हर पद में हम इस तरह से हम डी निकाल सकते हैं। तो डी निकालने का अब जिधर से अंतिमों से कहेगा तैयो हम निकाल लेंगे अंतिम पद और उससे एक ठीक पहले वाला पद को घटा दो तो हमको डी जो है यहाँ से मिल जाएगा। डी तो पता चल गया। अब इसमें देखो एन क्या होता है, एन जितना पद रहेगा एपी में वो एन कहलाता है। एन का मतलब एन जो है एपी का जितना पद हो, यानी एपी के पदों की संख्या को एन कहते हैं। एपी में कई गो पद है उसी को हम क्या कहते हैं। और कुछ है तो डी का मतलब पता चल गया, एन ए का मतलब पता चल गया। अब एक चीज और रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है कि एन का मान क्या क्या हो सकता है, एन का मान क्या नहीं हो सकता, ऐसे रहता है एन का मान। तो याद रखना एन का मान जो होगा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ऋणात्मक क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये संख्या है। अब बताओ संख्या कहीं माइनस में होता है, हम कहेंगे तुमको हमको माइनस पांच कलम दो तो क्या करेगा? ऐसा कई संभव है कि किसी को हम माइनस पांच कलम दे दे, माइनस पांच रुपया दे दे, ऐसा तो नहीं होगा। तो माइनस पांच नहीं होता, इसलिए याद रखना कि एन का मान अगर तुम्हारा कभी भी माइनस में आ गया इसका मतलब वो हमारा एन का मान गलत है, ठीक है। तो एन का मान कभी भी ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं होता है। उसके बाद भिन्न में भी नहीं होता है। भिन्न का मतलब कि जैसे हम कह दे बटे में एक बटे दो, एक बटे दो का मतलब आधा, कहेंगे आधा कलम दो ऐसा होता है? आधा कह दिए तो कलम बचा कहाँ, कलम कहलाइबे नहीं करेगा, आधा किताब दे तो किताब हुआ आधा, तो वही नहीं भिन्नात्मक हो सकता है। और उसके बाद नहीं दशमलव में हो सकता है, नहीं दशमलव हो सकता है। अब क्वेश्चन रहेगा उसमें, ठीक है। देखो वहाँ क्वेश्चन क्या रहेगा कि निम्नलिखित में एन का मान क्या हो सकता है, तीन चार गो ऑप्शन रहेगा, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, दशमलव और धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। और धनात्मक में भी पूर्ण संख्या, धनात्मक में क्या? पूर्ण संख्या, क्योंकि धनात्मक बटे में भी तो हो सकता है। तो याद रखना धनात्मक पूर्ण संख्या के रूप में हो तब एन का मान होगा। और एन का मान क्या क्या नहीं होगा? एन का मान कभी भी ऋणात्मक, भिन्नात्मक या दशमलव में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। याद रहेगा कि नहीं? तो एन का मान क्या क्या हो सकता है ये बताओ। तो एन का जो मान है वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में हो सकता है, और वो भी किस रूप में? तो धनात्मक। पूर्ण संख्या तो धनात्मक में ही ना होता है, तो याद रखना पूर्ण संख्या या धनात्मक है कि नहीं, कोई दिक्कत? अब इसी पर अगर हिसाब बनाने को कह दे तो हिसाब में तुमको सब चीज तो पता ही है, तो हिसाब आराम से बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा रहता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि बताइए एपी दिया रहेगा कि एपी जो है माइनस तीन या माइनस तीन, ठीक है, उसके बाद दे देगा जीरो, फिर तीन, फिर छः, इस तरह का दे देगा और कहेगा कि एपी का यानी कौन सा पद पचास है, कौन सा पद पचास है, ये कह दिया कौन सा पद क्या है पचास है। तो पचास है तो इसका मतलब क्या दिया, इसमें एन दिया है, क्या दिया है? तो ये इसमें देखो एपी में अगर ऐसा कह दे तो एपी में इसमें है क्या क्या, पहला ये तो पहला पद तो हमको पता चल गया माइनस तीन है, डी तो डी पीछे से आगे घटाएंगे तो जीरो में से माइनस तीन घटा दिए तो प्लस तीन आएगा। उसके बाद हमको और क्या चाहिए, एन, तो बताओ एन है इसमें, एन नहीं है। ये कह दिया कौन सा पद पचास, यानी लास्ट पद दिया है, क्या दिया है? लास्ट पद दिया है। तो ये जो एन नहीं दिया है, एन निकालना है तुमको, और एन बराबर दिया है पचास, यानी कौन सा पद कहा पचास है, यानी ये पद का दिया है कि कौन सा पद है, तो ये लास्ट पद ही ना दिया है और निकालना ही है तुमको कौन सा पद है। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान
50, ए का मान -3 प्लस, एन का मान तो नहीं दिया है छोड़ देंगे, उसके बाद डी का मान 3। चलो अब ये 3 को इधर करो तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 3 53 होगा, और ये फिर 3 इधर आएगा भाग में, 53/3 एन माइनस 1 होगा। अब बताओ 53/3 अगर आ गया तो फिर एन का मान क्या होगा, 53/3 प्लस एन 1 बराबर एन। तो बताओ कभी भी जो है भिन्न के रूप में हो सकता है, निकालेगा तो भिन्न के रूप में आएगा, तो याद रखना कि कभी भिन्न के रूप में, यानी इसका मान निकालेगा तो 56/3 6×5=11 कहियो तो कटेगा नहीं, तो एन का मान बताओ कभी 56/3 हो सकता है। ये एग्जांपल के लिए तुमको बता दी, कभी भी इसका लिखेंगे कि ये इस एपी का कभी भी 50वां, यानी इस एपी में कोई भी पद 50 नहीं आएगा, बन जाएगा कि नहीं, और इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि नहीं। तो याद रखना ये क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, इस एपी का, इस एपी का कोई पद 50 नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ, इसलिए नहीं होगा क्योंकि बटे में निकला, और बटे में तो कोई पद नहीं होता है, क्योंकि पद की संख्या जब भी होगा तो पूर्ण संख्या के रूप में होगा, पूर्ण तो बहुत कम, प्राकृत मान लो, पूर्ण प्राकृतिक धनात्मक जो है उसको मान लो, ठीक है, क्या कोई दिक्कत, तो ये बन जाएगा कि नहीं। देखो अब ये एपी के एपी पढ़ रहे थे, अब एपी में जो है हम पदों के योग बला फॉर्मूला पर देखते हैं, समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम था है कि नहीं, समांतर श्रेणी जिसका इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं एपी। इससे पहले तुम देख लिया कि एपी के हमको अगर पद कहे कि पद निकालने के लिए या कोई भी चीज गायब रहेगा, ए रहे या एन निकालने कहे या डी निकालने कहे, तो हम उसमें निकाल सकते हैं लास्ट पद वाला फॉर्मूला से। अब जो अगला एपी के पदों का योग वाला, एपी के यदि एन पद दिया हो और उसका योग कहे, एपी के एन पदों का योग कहे, एन पद एपी के एन पदों का योग बराबर दो गो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला याद रखना एस एन वाला क्या है कि एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एगो पहला फॉर्मूला है, और एक और दूसरा फॉर्मूला है एन बटे टू इंटू ए प्लस लास्ट पद, ए प्लस लास्ट पद, एल के जगह जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो गो पद है किसके लिए, एपी के एन पदों का योग। और इस पर एक हिसाब देखो हम बताते हैं, जो लॉजिकल हिसाब मान लिया जाए, जो हम व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति किसी से 1,000 रुपया उधार लिया, ठीक है, 1,000 रुपया उधार लिया, ठीक है, और उधार लेने के बाद उसका ब्याज हर महीना 50 रुपया बढ़ता है, उसका ब्याज कितना बढ़ता है, हर महीना 50 रुपया बढ़ता है, 50 रुपया बढ़ता है, तो तुमको कहेगा 2 साल का निकालिए, 2 साल में कितना पैसा उसका टोटल हुआ, 2 साल का कुल कितना रुपया देना होगा है कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है मान लिया जाए। तो अब देखो इस तरह का भी अगर क्वेश्चन है तो ये भी एपी के ही कैटेगरी में आएगा। जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति किसी से कितना उधार लिया, 1,000 लिया, और 1,000 उधार लिया तो हर महीना उसका तो 50 रुपया बढ़ रहा है, तो 50 रुपया चूंकि बढ़ रहा है तो एपी में ना आया, हर महीना 50-50 बढ़ रहा है, यानी सार्वंतर कितना का है 50 का, तो अगला महीना 1,050 देना पड़ेगा, उसके अगला महीना 1,100 देना पड़ेगा, 50-50 बढ़ते जाएगा कि नहीं, और इस तरह से कितना महीना तक बढ़ेगा, 2 साल यानी 24 महीना तक बढ़ेगा। तो इसमें हम क्या बताए थे तुमको, जो पहला पद है उसको ए से लिख देंगे, 1,000 लिख दिए, फिर उसके बाद जितना का अंतर है कितना कितना बढ़ रहा है, जितना का अंतर है उसको हम डी कहते हैं, तो 50 लिख दिए अंतर को, उसके बाद कितना दिन तक बढ़ रहा है, 2 साल तक, तो एन यानी कई बार बढ़ेगा, तो चूंकि 2 साल में 24 महीना होगा तो 24 बार ना उसका 50-50 बढ़ेगा, तो यानी कितना बार बढ़ेगा, तो 24 बार बढ़ेगा। अब क्वेश्चन पूछा कि ये जो टोटल पैसा इसको सबको जोड़िए, क्या कहा कि ये सारा पैसा को जोड़िए तो कितना हो जाएगा पैसा, देखो इसको जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे टू इंटू टू ए
प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू डी होता है ये फॉर्मूला, तो लगा दिए। एन का मान क्या है 24, तो 24 बटे दो और दो ए का मान 1000, ठीक है। प्लस एन का मान कितना 24 में से एक गया, फिर डी का मान 50 हो गया। अब डी का मान हो गया 50, ठीक है। अब इसमें करो भाग दो, 24 में से दो गया तो 12 हुआ, अब 1000 गुना दो तो 2000 हो गया, और 24 में से एक गया तो 23 गुना 50 आया। अब उसके बाद 12, अब क्या करेंगे 2000 23 गुना 50 करेंगे तो 5 3 15 के 5 हासिल, 1 5 9 10 1 11, 1150 हुआ। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 3150 आएगा। और इससे अब को इसको जो है 12 से गुना कर दो, तो 12 से गुना करेंगे तो 0 12 5 60 के 0 हासिल, 6 12 6 18 के 8 हासिल, 1 भारतीय 36 1 37, यानी इतना रुपया उसका जो हो गया, इतना रुपया टोटल योग हो गया इसका, है कि नहीं। तो ये इतना रुपया पूरा, यानी सारा पैसा को अगर हम जोड़े हर महीना कितना कितना पैसा होते जाएगा तो कितना हो जाएगा 37,800 रुपया। कोई दिक्कत, इसी तरह का हिसाब इसमें पूछा जाता है, क्या कोई दिक्कत इसमें, तो बना सकते हैं कि नहीं, आराम से बना सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह का यहाँ पर हिसाब ही रहता है, कभी कभी ऐसा रहता है लास्ट पद भी दिया रहता है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा। तो एपी में यही जो है दो का फॉर्मूला, एगो ये एपी के एन पदों का योग और एगो एपी के एनवा पद निकालने के लिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस वन एन माइनस वन इंटू डी। और कभी कभी ऐसा रहता है कि तुमको जो है एपी का पद दिया रहेगा और तुमको कहेगा निकालने के लिए कि उसका ए दे देगा निकालने के लिए, डी निकालने के लिए दे देगा। जैसे मान लिया जाए तुमको कह दिया तीसरा पद जो है वो 6 है, ठीक है, पांचवा पद कह दिया 10 है, और इसमें कह देगा तो ए और डी ज्ञात करें, ए तथा डी ज्ञात करें, है कि नहीं। तो इस तरह का जो हिसाब होगा, तो इस तरह का हिसाब में होगा क्या कि समीकरण बनेगा, है कि नहीं। जैसे ए थ्री कहा 6 और ए फाइव कितना कहा, यानी तीसरा पद 6 कहा और पांचवा पद कहा 10, और कहा क्या निकालने के लिए ए और डी। तो जब भी तीसरा पद कहा तो प्रश्न से देखो हम क्या बताए थे, जय गो पद है उससे एगो कम डी होगा, तो तीन गो पद है तीसरे एगो कम डी, यानी ए प्लस टू डी बराबर 6 हो जाएगा। फिर पचवा पद है तो पचवा में एगो कम उससे डी, तो 4 गो डी होगा बराबर 10। तो यहाँ से दो गो समीकरण आ गया, और ये दोनों समीकरण को हल करने के लिए तीन विधि बताए थे हम, चार गो विधि, ग्राफीय, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। तो जो फॉर्मूला से हल करेगा, हल करके निकाल सकता है, डायरेक्ट तुम निकाल सकता है। क्या करेंगे हम, डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो ए खत्म हो जाएगा और ये 4d में से 2d घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 2d आ गया माइनस में और इधर फिर माइनस 4 आ जाएगा, तो दो दो कट गया, d का मान 2 आ गया, और यही d का मान हम किसी में भी रखेंगे तो आ जाएगा। तो d का मान इसी में मान लो रख देते समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में अगर d का मान रखते हैं तो d का मान रखने पर क्या आ जाएगा बताओ, तो फॉर्मूला पर रख दो a प्लस 2d बराबर 6, तो a के जगह पर कुछ नहीं 2d, d के जगह पर 2 है और बराबर 6, तो 2 दुना 4 उधर जाएगा तो ये बराबर क्या आ जाएगा 2 नहीं आ जाएगा, तो निकल गया, a का भी मान दो और d का भी मान दो, क्या इस तरह से बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलो देखो अब है त्रिभुज, त्रिभुज चैप्टर से भी तुमको जो जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसके बारे में हम बता देते है कि नहीं। तो त्रिभुज चैप्टर से क्या क्या पूछा जाता है, ऐसे सबसे पहले त्रिभुज के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले तुमको दो चार चीज बताते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। अब देखो त्रिभुज में खास करके दो चीज का चर्चा होता है, एगो सर्वांग सम और दूसरा समरूप, दो चीज का चर्चा होता है। पहला क्या